और चलिए बात करेंगे रुड़की की। आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने पत्रकार वार्ता कर आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर पार्टी के विजन के बारे में भी जानकारी दी है। आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के यहाँ पर दोबारा प्राण कलियर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और इसी दौरान यहाँ पर आम आदमी पार्टी के यहाँ पर वरिष्ठ नेता सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि यहाँ पर कलियर एक विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जहाँ पर देश विदेश से यहाँ पर लोग अपनी मुरादे मन्नत लेकर आते हैं। प्राण कलियर विधानसभा में यहाँ पर जो है साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा का रोजगार की भी भारी कमी है जिसको आम आदमी पार्टी पूरा करने का काम करेगी। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर नीतियों को हम उत्तराखंड में लागू करेंगे और साथ ही उत्तराखंड में यहाँ पर आने वाला विधानसभा चुनाव दिल्ली की केजरीवाल मॉडल पर ही लड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी 2012 की बनी हुई एक पार्टी है। जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था उसके बाद में बनी। 2012 के बाद में अभी कुल 9 साल हुए हैं इस पार्टी को, और 9 साल में जो सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल डिजास्टर जिस जगह पे हो रखा है दिल्ली, जहाँ पे कि बीजेपी और कांग्रेस बहुत बुरी तरह से लड़ाई लड़ती है, पॉलिटिकल लड़ाई, वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने अपने काम करने के तरीके, गवर्नेंस का मॉडल बना करके साबित करा है, 2 बार पूरी सत्ता में बहुमत की सत्ता बना करके कि वाकई में लोगों को जो आज जो ज़रूरत है ये पार्टी उसको ना वैसे साबित कर सकती है। तो यहाँ पे उत्तराखंड में तो और ज़्यादा पूरा ही सिस्टम ही टूट रखा है, ऐसे तैरता है जहाज पानी में, यूँ यहाँ जहाज ना ऐसे हो गया है, डूब रहा है। आम आदमी कोशिश कर रही है जहाज को सीधा कर दे और फिर उसको ना ऊपर की तरफ लेके जाए।